हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। हूँ आपका दोस्त बंटी चौधरी, लेके आया हूँ आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट। आपके तो देखिए, चलते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट की तरफ। ये फ्रेंड्स आपके लिए मॉक टेस्ट है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भाई इसमें नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स आपको पसंद आती है तो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुक्त आकाश की प्रवैधता का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी स्क्वायर एन इनवर्स एम माइनस टू। तो देखिए फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे ये मीटर को डिनोट कर रहा है, ये न्यूटन को और ये कूलॉम को। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें बोलेगा पार्थिक दूरबीन होती है द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है फ्रेंड्स। अवास्तविक मतलब इमेजिनरी बनता है और सीधा बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं तो क्या प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, लोहा चुंबकीय पदार्थ को। नेक्स्ट देखिए, सोने के परमाणु के नाभिक पर विभव की गणना करें। यदि सोने की परमाणु संख्या दे रखी है 79 एवं नाभिक की त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 6.6 × 10⁻¹⁵ मीटर। दिया गया है प्रोटॉन का आवेश कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। तो हमसे पूछ रहा है क्या होगा, तो इनमें से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी इंडिया में जो है 50 हर्ट्ज की क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा उपयोग में लाई जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि एक सेकंड में क्या है वो 50 चक्कर लगाती है। मतलब एक सेकंड में 50 चक्कर लगाती है, 50 पॉजिटिव लगाती है, 50 नेगेटिव लगाती है फ्रेंड्स। एक सेकंड में जो पॉजिटिव लगते हैं और एक अगले सेकंड में नेगेटिव लगते हैं। तो इसने पूछा हमसे शिखर मान, मतलब धारा को शून्य से शिखर मान तक पहुंचाने, मतलब शिखर मान के 1/√2 गुना तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स को कितना समय लगेगा, सेकंडों में लगता है फ्रेंड्स टाइम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, यदि समान फोकस दूरी के दो लेंस हैं हमारे पास, अभिसारी लेंस हैं, फोकस दूरी समान है तो एक दूसरे के संपर्क में रखे जाएं, तो उनके संयोग के जो संयोग से हमारे पास जो अभिसारी लेंसों को जो मिक्स कर दिया जाएगा, संयोग कर दिया जाएगा उनका, तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी फ्रेंड्स, तो f/2 होगी ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें होता है ईंट पर नाच। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जिस प्रक्रिया के द्वारा एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाले दो हल्के नाभिकों में विभक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो विखंडन कहते हैं। देखिए, यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ए है तो लपेटों की संख्या दे रखी है एन, तो उसमें धारा की मतलब आई, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है मतलब आई हो, तो केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो कुंडली का नज़दीकी वाला भाग किस तरह का व्यवहार करता है फ्रेंड्स, दक्षिणी ध्रुव का कार्य करता है, दक्षिणी ध्रुव के समान कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, शीशा के धीरे धीरे ठंडा होने को कहते हैं अनिलीकरण कहते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, बलागुण कब जड़त्वागुण के बराबर होता है फ्रेंड्स, जब कोणीय त्वरण इकाई हो। देखिए, 27 सेंटीग्रेड ताप पर किसी गैस अपने आयतन के एक चौथाई तक रुद्धोष्म विधि में संपीड़ित की जाती है तो परिणामी ताप की गणना करें। तो परिणामी ताप कितना होगा फ्रेंड्स, 327 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखिए, 10 μF की धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट के विभवांतर पर आवेशित किया जाता है। यदि अनावेशित संधारित्र को इसके समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उभयनिष्ठ विभवांतर 40 वोल्ट हो तो दूसरे संधारित्र की मतलब धारिता क्या होगी, धारिता पूछा फ्रेंड्स क्या होगी, तो 15 μF। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा का पलायन वेग, जैसे यहाँ का क्या होता है
हमारी जो पृथ्वी का कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो चंद्रमा कितना है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, इसने पूछा है एक मीटर लंबे तथा 2 mm व्यास वाले तार या मिलीमीटर व्यास के तार की लंबाई दे रखी है हमारे पास 0.5 mm या मिलीमीटर की वृद्धि उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट रखा है सीवेक, सीवेक प्रभाव के अंतर्गत सबसे प्रबल धारा किन दो धातुओं में से किस संधि पर प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्युत अपघटन में जिस प्लेट से धारा द्रव में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए दोबारा समझिए, विद्युत अपघटन में जिस प्लेट से धारा द्रव में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड्स एनोड। वीन नियतांक क्या है फ्रेंड्स, मात्रा में वीन नियतांक का मान क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखिए शराब के अत्यधिक सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग जो है अप्रभावित रहता है, मतलब कौन सा अंग जो है अप्रभावित रहता है, तो यकृत फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी, जो आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस चीज पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स परमाणु की संख्या पर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखिए किसी वस्तु पर दबाव, किसी वस्तु पर बल दे रखा है हमारे पास सदिश के रूप में दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, न्यूटन का लगाया जाता है जिससे उसमें, अब ये हमारे पास दे रखा है मीटर विस्थापन होता है, मतलब विस्थापन होता है खिसकता, तो कार्य क्या होगा फ्रेंड्स, तो कार्य पूछ रहा है तो कितना होगा फ्रेंड्स कार्य के लिए आप जानते हैं डब्लू बराबर क्या होता है, सॉरी देखिए कार्य के लिए आप जानते हैं कार्य के लिए डब्लू बराबर क्या होता है F इंटू विस्थापन, मतलब बल इंटू विस्थापन। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप जानते हैं क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखिए विकिरण के लिए चमकदार पृष्ठ होता है, विकिरण के लिए चमकदार पृष्ठ होता है, तो ये बताना है कि उस पर परावर्तक, मतलब अच्छा परावर्तक क्या होता है, तो खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक। नेक्स्ट देखिए घर्षण बल लगता है आपेक्षिक गति की किस ओर लगता है, विपरीत ओर लगता है या समान दिशा में लगता है, तो किस दिशा में लगता है फ्रेंड्स, दिशा के विपरीत लगता है। नेक्स्ट देखिए हवा का एक बुलबुला किस किरण पानी में, मतलब किस कारण पानी में चमकीला नज़र आता है, कौन से किस कारण से चमकीला नज़र आता है फ्रेंड्स, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है चमकीला नज़र आता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये ख़त्म हुए आपके सामने जीएस का क्वेश्चन पेपर, सॉरी साइंस का क्वेश्चन पेपर, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप समझे होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपके लिए देंगे जल्दी से मैथमेटिक्स का जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा जो आपके सामने, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।